आरआर मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। आज के दिन सभी को याद होगा, पुलवामा हमले में शहीद हुए 44 वीर जवानों को नमन करते हुए आज की हादसे के बारे में जानते हैं। पुलवामा हमले को हुआ आज पूरे 5 साल। 2019 14 फरवरी के दिन दोपहर 3 बजे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी आदिल अहमद डार ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक कार लेकर घुसा और सीआरपीएफ के वाहन को टक्कर मारा और बहुत ही भयानक विस्फोटक हुआ था। उसमें हमारे 44 वीर जवानों ने अपने सांस छोड़ दी। आज भी याद करके हम भारतीयों के आंख भर आते हैं। ये सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर को जा रहा था। इसमें 2500 से ज्यादा नौजवानों शामिल थे। इस काफिले के बारे में आतंकवादियों ने पुख्त जानकारी रखी थी और महीने पहले से ही साजिश कर रहे थे। पाकिस्तान ने कैसे रची साजिश? एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच की और इसमें बताया गया कि कैसे आईएसआई और पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों ने मिलकर हमले का पूरा प्लान किया था। इसका मुख्य दोषी मसूद अजहर को माना गया है और अब्दुल रऊफ असर, मौलान अमर अलवी, मोहम्मद अब्बास और कई शामिल थे। भारतीय वायुसेना से ली गई इस आतंकी हमले की बदला। हमले के 12 दिन बाद 26 फरवरी को रात में 3 बजे बारामीरात 200 फाइटर जेट्स एलओसी को पार कर पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर मिराज 2000 लेकर बालकोट तक गए और खुफिया इनपुट के आधार पर जैसे मोहम्मद के ठिकानों को ध्वंस कर दिया। इस हमले में तकरीबन 300 आतंकी मारे गए थे। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए आरआर मीडिया 24x7 के साथ।